राधे राधे रामली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? यू आर माई लाइफ लाइन, यू आर एवरीथिंग। आज पता है आपको, बच्चों के लिए इडली सांभर बनना था। अभी मैं आपके सामने कुकर लिया ही हुआ है मैंने, आप देख रहे हो। मैंने दाल रात को भिगो दी थी, अब इसके बाद मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। स्ट्रेन करने के बाद फिर दाल को चढ़ा दूँगी। देखिए आप, मैं कैसे स्ट्रेन कर रही हूँ स्ट्रेन से। ये अभी आगे ना कैसरोल अड़ गया है, जिसे आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ये वॉश या स्ट्रेन कैसे कर रही हूँ अच्छी तरीके से। वैसे तो हाथ इसको साफ कर रही हूँ, क्योंकि मेन बात जो है ना, अरहर की दाल में पॉलिश ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अरहर की दाल ही पॉलिश होती है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से जितना हो सके ना मैक्सिमम स्ट्रेन कर लेना चाहिए, मैक्सिमम वॉश कर लेना चाहिए, हाथ लगा के धोना। फिर अब मैंने इधर आर ओ में से पानी लेते हुए मैं इसमें भर लेती हूँ, और फिर उसके बाद चढ़ा दूँगी ये दाल। देखिए दाल चढ़ाते वक्त थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी नमक, अभी मैंने मसालेदानी खोली ये हल्दी डाल दी है ना, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ बॉयल करते वक्त। कोई सी भी दाल हो, मैं मोस्टली यही करती हूँ कि बॉयल करते हुए उसमें नमक और हल्दी डाल देती हूँ। अब इसका कर देंगे कुकर का ढक्कन बंद। हो गए ये सीटी के लिए तैयार। ये कुकर मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ, आपके सामने गैस ऑन कर दिया। सुबह सुबह का टाइम बड़ा ही, इस टाइम पे ना ऐसा लगता है कि शक्तिमान पैदा हो जाता है। हम लेडीज़ के शरीर में शक्तिमान बन जाते हैं हम। अंदर फ्रिज में से मैंने ये कर्ड निकाला, कर्ड इस बड़े बाउल में डाल दिया था मैंने। सूजी आपके सामने पैकेट बाहर रखी दिया है। मैं जो आजकल इडली बनाती हूँ ना, वो सूजी की बना रही हूँ। आज तक मैंने अभी वो ट्राई किया नहीं है, बैटर वाली जो ऑलरेडी रेडीमेड बैटर होता है। ये और बड़ा बाउल लिया है, इसमें सूजी काट देती हूँ। सूजी को काटने के बाद मिक्स करेंगे। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैटर होता है ना इसका, इडली का, क्या आप लोगों ने वो कभी ट्राई किया है? मैंने तो किया नहीं। अगर आपने किया है और अगर अच्छा लगता है वो, और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ये दही थोड़ी सी पुराने पैकेट वाली रखी थी, तो मैंने ये इसमें डाल दी, यूज़ तो हो जाए कम से कम। ऑल दो मैंने बड़ा बिग बाउल दही का आपके सामने दिखाया ही हुआ है, रखा हुआ है वो, पर ये क्यों वेस्ट करने थे ना, इसलिए मैंने ये भी डाल दी। अब इस मौसम में आपको पता ही है कि, पता है जैसे मैं नीचे आई ना, मुझे ठंड लगी, तो मैंने फिर दुपट्टा लेके कवर, मुझे लगा कि शॉल टाइप का सा काम कर देगा, फिर कवर किया। कभी ये मच्छरों की वजह से दुपट्टा लेना पड़ता है, कभी ठंड की वजह से दुपट्टा लेना पड़ता है, बस यही हो रखा है। सुबह सुबह ठंड और ठंड के बाद मच्छर, ठंड नहीं तो मच्छर। अब मैं क्या क्या डाल रही हूँ वो आप देख लेना। मैंने सूजी डाली, फिर इसके बाद थोड़ी सी इनो डाली, मतलब दो ढक्कन भर हो गई इनो। इनो का बड़ा पैकेट हमने ला के रखा हुआ है, क्योंकि पाउचेज में ना कुछ इतना बरकत होती नहीं है, मैनेज नहीं हो पाता पाउच, कई बार कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है। फिर धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें पानी भी डालना है। पानी से हिलाते रहो इसको कि ये थोड़ा सा लम्स ना बनाए। फिर ये मैंने, देख रहे हैं आप, दही डाल दी इस वाले बाउल से, बड़े वाले बाउल से। फिर थोड़ा सा नमक। अब इसमें क्या क्या हो गया है आप बताओ, नहीं बता रहे, चलो ठीक है मैं ही बता देती हूँ। इसमें पहले सूजी डाली, फिर मैंने थोड़ी सी इनो डाली। पानी से मैं थोड़ा 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 इसको फेंट रही थी, जितना अच्छा फिटेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। कर्ड डाली,
पानी डाला, नमक तो थोड़ा सा क्वांटिटी था ही, आपने देखा। अब इतनी मैंने दही डाल चुकी थी ना कि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी से भी पेस्ट करना, इसको मिक्स करना ज़रूरी था। कहीं पता चल रहा था कि खट्टी ही खट्टी हो गई, बननी थी इडली, बन गया कुछ और। पानी थोड़ा हल्के साथ में ही रहना पड़ता है, रहने देना पड़ता है, मतलब उसके साथ दही के साथ थोड़ा सा पानी रहने दो। अब मैं क्या करते हुए नज़र आ रहा हूँ, हाँ मैं सब्जी के लिए मतलब सांभर के लिए प्याज टमाटर काटूँगी, क्योंकि प्याज तो खैर भारी हैं, टमाटर अंदर फ्रिज में से लेने पड़ेंगे, और इनको भी चॉप कर लेती हूँ। चॉप करने के बाद ये रहे मेरे हाथ में टमाटर, पहले वॉशिंग एरिया गई हूँ मैं, वॉशिंग एरिया से इनको क्लीन किया है, साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद प्लेट्स निकालते हुए नीचे कैबिनेट्स में से, मुझे ना वहाँ पर साइड में बादाम की 3-4 गिरी रखी हुई मिल गई थी, तो वो मैंने मुंह में डाल ली। आपको दिख रहा होगा मेरा मुंह बोलते हुए, मतलब बोलते इन द सेंस चलाते हुए। फटाफट प्याज काटते हैं, प्याज काटने के बाद ये टमाटर काटेंगे। टमाटर काटने के बाद जो भी छुटर पुटर, अगर आपके पास शिमला मिर्च है अवेलेबल, शिमला मिर्च डाल दो। मेरे पास बीन्स तो थी नहीं, तो सांभर एग्जैक्टली सांभर वाला नहीं बना था, ये अरहर की दाल ही बना दी थी मैंने तड़का लगा के, पर बच्चों को यही बोला कि सांभर बनाए, क्योंकि और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में थे ही नहीं, और इनको बच्चों को बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि नहीं मुझे, हमें तो इडली सांभर ही चाहिए, हमें इडली सांभर ही चाहिए, तो फिर इसलिए ये कर दिया था मैंने। कैसा लगा था आइडिया ये बताओ। चॉपिंग बोर्ड पे ही मैं ये काट रही हूँ टमाटर। सीटी आ रही है पीछे, अगर आपको मतलब धुआं दिख रहा हो, सीटी तो क्या ही दिखेगी, पर अगर धुआं दिख रहा हो तो सीटी आ रही है उधर। चार पांच सीटियां मैंने लगवा ली थी कुकर में, जिससे कि अच्छी तरीके से वो घुटी घुटी सी हो जाए अरहर की दाल, और कुछ नहीं, तो बच्चों को ये लगे कि हाँ ठीक है, मम्मी ने पतली पतली सी सांभर तो बना दिया। इसलिए ये अब प्याजे चॉप्ड हो गई हैं, अब इनको टमाटरों को चॉप कर देती हूँ, फिर क्विकली इनका तड़का लगा के ये दाल तैयार हो जाएगी। फिर आपको दिखाऊंगी कि इडली कैसे बना रही हूँ मैं। इडली का पेस्ट इतने टाइम आपने देखा है, जब तक मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ दाल का, जब तक वो अलग साइड में फेंटा हुआ, मतलब अच्छी तरीके से मिक्स किया हुआ मैंने किनारे पे रखा हुआ है, जिससे वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरीके से रम जाएगा, और थोड़ा सा जो फूलना होता है ना तो वो फूल भी जाता है। अगर हम उसको थोड़े 20 मिनट के करीब भी रख देना, ये पेस्ट बना के सूजी में ये दही नमक पानी ये सारा मिक्स करके, ये जो अपना बैटर बना के रखते हैं हम, ये अगर बैटर बना के साइड में रख दें 20 मिनट आधा घंटा, तो ये बहुत अच्छा उभर के आता है, मतलब इतना सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है ना, तो जो बनती है इडली वो बहुत अच्छी बनती है। इस बीच मेरा, मैंने कुकर को कर दिया है बंद, इधर प्याज टमाटर काट लिया है, दूसरी तरफ मैं रख देती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में अब ये प्याज टमाटर डाल के दाल को पलट दूँगी। पहले तो तेल को गरम करते हैं, है ना। तेल को गरम करने के बाद अब रखेंगे ये, मतलब डालेंगे, भूनेंगे प्याज टमाटर। हम पी मार्का का ही तेल यूज़ करते हैं, और तेल हमें ना अच्छे नहीं लगते, वो आपको पता ही होगा, आप देखते ही होंगे। इस बीच मैं नहाया आई हूँ, क्योंकि ये तैयारी हो गई थी,
तो इसी बीच सुबह सुबह ही नहा लिए बच्चों के आसपास ही, तो हो गया, वरना तो फिर उसके बाद लेट हो जाता है तो सारा रूटीन ही ख़राब हो जाता है। तो अब इसमें इडली के लिए मैंने सांचा निकाल लिया है। ये बैटर आप देख ही रहे हैं कि मैं एक एक कड़छी लेके बैटर डाल रही हूँ इसमें सांचे में और इसको फिक्स कर रही हूँ। रीना ने और कुछ अच्छा किया या नहीं किया, मुझे पैसे तो अच्छी है, पर ये तो दी बेस्ट ऑप्शन बताया मुझे कि इडली बना दिया करो और ऐसे बना दिया करो दीदी। तो मैं अब रीना के समझाने के बाद, रीना के बताने के बाद इडली बनाना मुझे बहुत इजी लगता है, कोई टेंशन नहीं होती। वरना इडली में थोड़ा सा मुझे लगता था इतना मेहनत वाला काम होता होगा, ये इतना इजीली नहीं बनता होगा, पर अब इजीली बन जाता है। वो मैंने इडली कैसे बनाई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। कि इसके बाद सांचे को कर दिया मैंने ऊपर से बंद, ये इसका थोड़ा सा छोटा सा नट है और इसको रख दिया कुकर में, अब इडली बन जाएंगी। इधर आराध्या आके देख रही है, क्षितिजा आके देख रही है, इडलियाँ तैयार हो जाएंगी। नाइट करते हैं, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। गाइस एक चीज बताओ। हाँ बताओ। बड़े को याद करने रहो, ठीक है? मेरे को याद करना, इसको याद बात कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही पापा को और मेरे को बोलता रहता है कि मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं, मैं आपको ये सुनाऊं वो सुनाऊं, फिर कहेगा मैं भूल गया। चलो पर अब हम सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।